नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। कोरोना काल में सेहत लोगों की प्राथमिकता है, इसलिए लोग अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। डॉक्टर्स भी सेहतमंद रहने के लिए सही दिनचर्या, उचित खानपान और रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, साथ ही तनाव और अवसाद से दूर रहने के लिए कहते हैं। बड़े बुजुर्ग भी सेहतमंद रहने के लिए देसी खाना खाने की सलाह देते हैं, इसलिए अपने डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। अगर आपको नहीं पता कि पोषक डाइट क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि दही, जी हाँ, दही में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें गुड बैक्टीरिया होता है। इसके साथ ही दही में कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं और इसे आसानी से घर पर तैयार भी किया जा सकता है, इसलिए रोजाना दही का सेवन करें। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, इसके अलावा तनाव और पुराने रोगों का जोखिम भी कम होता है। दाल को पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। दाल के हर एक दाने में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, साथ ही इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि दाल में प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ और मजबूत करने में सहायता मिलती है, साथ ही नए सेल्स का भी निर्माण होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि दाल में विटामिन A, B, C, E, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक पाए जाते हैं। अक्सर लोग रोटी और चावल पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बाजरे को भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाजरा में ग्लूटेन फ्री होता है, जो गेहूं और रागी की तुलना में ज्यादा हेल्दी होता है। इसमें डाइट्री फाइबर होता है, साथ ही बाजरा प्रोबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबायोटिक खाना मतलब, तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा खाना आपके आंतों में अच्छे जीवाणु को वापस लाती है। इससे कब्ज, कोलेन, कैंसर में आराम मिलता है, साथ ही फाइबर वजन को भी घटाने में मदद करता है। भारत मसालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मसालों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। मसालों से सूजन में आराम मिलता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है और कई घातक बीमारियों में भी आराम मिलता है। हल्दी, दालचीनी, मेथी, काली मिर्च आदि मसालों का भी सेवन करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए डाइट में मसालों को जरूर शामिल करें। आयुर्वेद में लहसुन का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो सेहत और सुंदरता दोनों के लिए फायदेमंद होता है। खासकर सर्दियों में लहसुन के इस्तेमाल से सर्दी, खांसी, जुकाम में बड़ी जल्दी आराम मिलता है। साथ ही यह रक्तचाप, कब्ज, संक्रमण और दांतों में जो दर्द होता है उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें डीटीवी भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।